Hi guys, so again welcome back to my channel Silent Tips by Pooja. This is me, your Pooja, and welcome to another exciting video. हाँ, voice थोड़ी सी अटकी हुई है क्योंकि फिर से तबीयत खराब हो गया है. So further ado, let's get started. लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो. इट्स फ्री टू सब्सक्राइब एंड उसके बदले में आपको मिलेगा भर भर के नॉलेज, जितना जितना हो सके मेरे पास है मैं वो देने की कोशिश करती हूँ. एंड कहीं ना कहीं पे अगर मैं आपको पसंद आती हूँ या फिर आ रही हूँ लेकिन फिर भी आपने मुझे मेरी सोशल साइट्स पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो. तो मैं उन सारी प्रोफाइल्स की हैंडल यहाँ पे कहीं पे शो कर दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, सो प्लीज़ हैव अ लुक. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. तो आज से बहुत दिन हो गया है ये प्रोडक्ट लॉन्च होते हुए. सो बेसिकली ये लॉरियल पेरिस की रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस फॉर क्रिस्टल क्लियर स्किन. तो मेरी हाथ ये परा आई गेस 1 week या मोर देन 1 week एंड लिटरली आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट. बारी आती है अगर लॉरियल पेरिस की पैकेजिंग की तो ये लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते उनके पैकेजिंग के साथ. तो इस बार भी उन्होंने हम लोगों को निराश नहीं किया है. इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ज़्यादा लग्जूरियस एंड साथ ही साथ क्लासी है. आपको मिलेगा यहाँ पे एक मैट सा ग्लास बॉटल जहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट एंड इसकी जो कैप है वो सिल्वर इन कलर में है. तो ऑल टोटल ये आपको एक फाइव स्टार वाला एक फील देता है विच इज़ क्वाइट गुड. अगर मैं बात करूँ इसकी स्मेल कैसी है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं है, बहुत फ्लावरी फ्रूटी कुछ भी मुझे नहीं लगा. इट्स मोर देन एकदम ही भीनी है. इसमें आपको बहुत स्ट्रांग वाला फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगा एंड जिन लोगों को स्पेशली पसंद है कि उनकी प्रोडक्ट में स्मेल ना हो, कोई भी इरिटेटिंग वाली या फिर कुछ भी स्मेल ना हो, तो ये उन लोगों के लिए एक खास चीज़. अब मैं बता रही हूँ कि ये आपको किस किस साइज में मिलेगा. तो ये आपको मिलेगा टोटल 3 sizes में. जो पहला वाला साइज है वो 22 ml का आएगा एंड उसका प्राइस होगा 250 rupees. नेक्स्ट जो साइज आपको मिलेगा वो है 65 ml एंड जिसका प्राइस है ओनली 799. एंड जो लास्ट वाला साइज है यानी कि ये 130 ml एंड जो प्राइस है वो है 1400 यानी कि 1400. आप बोलोगे पूजा ने तो बहुत बकिया है इस प्रोडक्ट के बारे में लेकिन असल में ये काम क्या करेगा, इसकी किसके लिए किस चीज़ के लिए हम इसे खरीदेंगे. तो आते हैं उसी बात पे. मैंने तो पहले ही नाम बता दिया है क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, जो सबसे एकदम स्मॉल पार्ट जो स्किन के एकदम डीप तक जाएगा एंड बहुत सारे आपकी स्किन में हो रहा जो प्रॉब्लम है उसको रोकेगा यानी कि प्रिवेंट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एंटी एजिंग, क्योंकि लड़कियों की जब 25 हो जाता है तभी से उन लोगों का जो एजिंग होता है वो स्टार्ट हो जाता है एंड लड़कियां इस चीज़ से सबसे ज़्यादा घबराती है कि मैं बुढ़ी लग रही हूँ ये वो. ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट करता है एंड क्रिस्टल क्लियर बनाने की कोशिश करती है. तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी फेस में कोई भी मेकअप नहीं है, मैंने थोड़ा सा बस काजल और आईब्राउज को फिल किया है और ये जो माइक्रो एसेंस है ये आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर बनाता है. ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा लेकिन मुझे कुछ दिनों से कुछ और भी ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि आप अगर मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो वो करीबन 1.5 हफ्ता हो गया है मैंने शूट किया है एंड उसके बाद ही मैंने इस वीडियो को शूट किया है. एंड एज यू कैन सी दिस नंबर 4 प्लम्प, मैंने ऐसे करते करते ही प्लम्प मेरी दिमाग में आ गई. तो जो प्लम्प है स्किन को बहुत ज़्यादा प्लम्पिंग नंबर 5. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ पानी जैसा दिखने में है तो क्या फेस को हाइड्रेट रखेगा, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं. हाँ, ये आपकी फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है. जब ये 1400 ले रहे हैं आपसे तो उसके बदले में भी तो ये कुछ दे रहे हैं ना. तो जो सारे प्रोडक्ट्स या फिर सारे इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, इसीलिए आपकी जो स्किन है उसे हाइड्रेट भी रखता है एंड साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी करता है बहुत अच्छे से. तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ ये थोड़ी सी वाटरी बेस में है तो क्या ये हाइड्रेट करेगा या नहीं. लास्टली रिफ्रेशिंग, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अगर आप नॉर्मल पानी से मुंह धो लो बहुत रिफ्रेश लगता है, बहुत सुकून मिलता है. तो इसमें से भी वही बात है, इसे आप जब यूज़ करोगे ना तो वही सेम चीज़ एक रिफ्रेशिंग वाला फील आएगा. और सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है, जो नॉर्मली क्रीम होते हैं ना वो हमारी स्किन के एक लेयर तक या फिर मैक्स टू 2 layers तक पहुँचते हैं, लेकिन
जस्ट बिकॉज ऑफ ये वाटरी बेस में है, यह आपकी स्किन की 10 लेयर तक जाएगी। ये आपको भी नहीं पता होगा कि आपकी स्किन में इतने सारे लेयर्स होते, लेकिन हाँ होते, तभी जाते हैं एंड जाके ये अंदर से काम करना शुरू करता है। इसमें सैलिसाइलिक एसिड भी है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं एंड जो जितने भी पोर्स होते हैं या फिर पोर्स में अटके हुए जितने भी सारे डर्ट होते हैं उसे निकाल देता है। सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ यह आपकी डेड सेल्स को रिमूव करता है। आपकी फेस में बहुत ज़्यादा डेड सेल्स होते हैं जो कि आपको मालूम भी नहीं पड़ता। आप बाहर से आ रहे हो, आपने नॉर्मल फेस को वॉश कर लिया, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी फेस में कितने ज़्यादा सेल्स तब तक मर चुके होते हैं। तो ये उस चीज़ को हटाता है एंड लास्टली इट एक्सेलरेट्स योर स्किन रिन्यूअल। यस, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सेंटेला एसियाटिका। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, ये सेंटेला एसियाटिका क्या है? तो बेसिकली ये एक ऐसी पदार्थ है जो कि आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करता है, मतलब एजिंग को रोकता है। हमारी स्किन में जो एक इलास्टिसिटी होता है उसे मेंटेन रखता है। आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है उसका मतलब क्या होता है कि एज हो रहा है, क्योंकि जो हमारी नानी दादी होती है उनके अगर आप गाल खींचोगे तो बहुत ज़्यादा चला आता है। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि उनकी स्किन में जो ये सेंटेला एसियाटिका है उसकी मात्रा कम होती जाती है। सिर्फ यही नहीं, ये सेंटेला एसियाटिका आपकी जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, इसे भी प्रिवेंट कर देता है। तो आपकी स्किन, आप सोच सकते हो इतना सारा कुछ अगर ये प्रिवेंट कर देगा तो आपकी स्किन तो ऑटोमेटिकली हेल्थी लगेगा ना। बहुत टाइम पे मैंने बकलिया है कि इसमें क्या है, इसे आपको क्यों लेना है, ये वो। अब बात कर लेते हैं कि यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई भी फेस वॉश हो या फिर क्लिंजर हो, उसे अपनी फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करो, उसके बाद धो के आओ। एक नॉर्मल कॉटन टावल या फिर जो भी टावल आपके पास है वो साफ सुथरा होना चाहिए। सिर्फ इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए नहीं, नॉर्मली भी आप एक साफ सुथरा टावल यूज़ करो। एंड अगर टावल से आपको चिर होती है तो आप इस तरीके का टिश्यूज भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं नॉर्मली करती हूँ, क्योंकि मेरी जो टावल होती है वो अक्सर मेकअप में होता रहता है, तो इसीलिए। एंड वाटर भी पूरी तरीके से सोक नहीं करता, तो मैं इस तरीके की टिश्यूज यूज़ करती हूँ ताकि मेरी जो पूरी की पूरी वाटर है उसे ये एब्जॉर्ब कर ले एंड मेरी जो फेस है वो क्लियर लगे। उसके बाद इसे आपको नॉर्मली 6-7 बूंद लेना है, आपकी अनुसार कि आपको कितना लगेगा, कितना होना चाहिए फेस की शेप, फेस की साइज, इससे इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से लेके इसे आपको रब नहीं करना है, बस ऐसे टैप टैप कर लो। करने के बाद आपकी जो फेस है वहाँ पे डायरेक्ट डैबिंग मोशन में इस तरीके से डैब करते जाओ ताकि जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर तक जा सके। साथ ही साथ ये बहुत लाइट वेट होने की वजह से आपके फेस में बिल्कुल भी हेवी नहीं लगेगा एंड समर इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो आप उसी टाइम पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। एंड आपको भी तो कोई काम करना होगा ना ताकि ये 10 लेयर अंदर तक जा सके। तो उसका सबसे बड़ा वाला सोल्यूशन है कि डैबिंग मोशन में बस आप इसे थोड़ा सा डैब कर लो। ये आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आपकी नेक पे भी अप्लाई करो एंड दैट्स इट। अब यूज कब कब करना है? सबसे बेस्ट टाइमिंग होगा मॉर्निंग एंड नाइट में। जब मॉर्निंग में आप उठते हो, अगर आप ऑफिस जाते हो, अगर नॉर्मल हाउस वाइफ हो, तो नहाने के बाद या फिर एकदम मॉर्निंग में फेस वॉश से एक बार मुंह को धो लेने के बाद इसे आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने तरीका बता दिया है एंड सेम वे में आप जब सोने जा रहे हो उससे पहले एक बार यूज कर लो एंड दैट्स इट। एंड लास्टली जाते जाते जो क्वेश्चन आपके मन में सबसे ज्यादा होता होगा कि इसको हम अगर टीनेजर है तो क्या हम यूज कर सकते हैं दीदी? ये चीज बहुत ज्यादा होता है कि प्रोडक्ट तो दीदी आप बोल देते हो कि, लेकिन किस एज से हम स्टार्ट करेंगे? तो ये भी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, 17 जब आपका हो जाएगा यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। 17 से स्टार्ट करते हुए आपकी जितनी एज हो आप इसे यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी वाली एजिंग है इसे यूज़ करने की वो है 22 to 23, क्योंकि 25 से हमारी जो एजिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर हमें पहले से ही पता होता है कि हाँ एजिंग स्टार्ट होने वाली है तो प्रोटेक्शन बहुत पहले से हम लेने की कोशिश करते हैं। सो आई होप गाइस कि मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों को हेल्प किया होगा कहीं ना कहीं पे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड लास्टली जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।